माँ उसके बाप के पास बैठी हुई उसी के रिश्ते की बात कर रही थी। ये लो इतने में वो आ गया। ऐसा शर्म आया है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अरे वो निगोड़ा तो लड़कियों से भी गया गुजरा है। खुदा की बस्ती ड्रामे को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन ड्रामा कहा जाता है। इब्तिदा में ये ड्रामा 1969 में नशर हुआ, जिसकी 26 अकसाब थीं और हर किस्त का दौरानिया 25 मिनट था। 1974 में उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने फरमाइश की कि इस ड्रामे को रीटेलीकास्ट किया जाए, क्योंकि ये उनका फेवरेट ड्रामा था। लेकिन उस वक्त तक ये ड्रामा कैसेट्स पर महफूज नहीं रहा था, क्योंकि तब कैसेट्स की कमी थी और जो नया प्रोग्राम आता था वो उन्हीं चंद कैसेट्स पर प्रिंट हो जाता था। यही वजह है कि हमारे कुछ शाकार ड्रामे महफूज नहीं हो सके। बहरहाल ये फरमाइश क्योंकि उस वक्त के वजीर आजम की थी, इसलिए इस ड्रामे को 1974 में फिर से बनाया गया और ये भी इतना ही मकबूल हुआ। ड्रामा शौकत सिद्दीकी के नॉवल खुदा की बस्ती पर बना, जिसे हिदायत कासिम जल्लाली और बख्तियार अहमद ने दी। ये ड्रामा सीरियल 13 हफ्ते चला। हर किस्त का दौरानिया 50 मिनट था। कास्ट इन फनकारों पर मुश्तमिल थी: काजी वाजिद, महमूद अली, जहीन ताहिरा, जहूर अहमद, अरशे मुनीर, शकील चुखताई, सुबहानी बाई यूनस, जफर मसूद, रिजवान वास्ती, बैरोज सब्सवारी, तोकीर फातमा, मुनव्वर सुल्ताना, साकिब शेख, इकबाल तरीन और दीगर। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आपके लिए इस ड्रामे के चंद क्लिप्स चुने हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अबे कसम ईमान की एकदम थर्ड क्लास भैया, काली कलूटी बैंगन रोटी, अबे ये पकौड़ा ऐसी तो ना क्या उसकी। अब तुम्हारी भेंगी कहीं की, बिल्कुल जनवरी फरवरी आंखें हैं उसकी। सारी आसमान काहे पे कायम यार राजा, मैं तो कान पकड़ता हूँ, छूट गया तो सीधा घर जाऊंगा। अम्मा जो कहेंगी वो ही करूंगा यार, माँ की बद्दुआ नहीं लेंगे। अपा देखो मैं बहुत टेढ़ा आदमी हूँ, एक मिनट में आदमी की इज्जत उतार के रख देता हूँ। तुम्हारा कच्चा चट्टा अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अरे जा जा, ये आंखें किसी और पर दिखाना। सुल्ताना ये क्या हरकत है, भाई अंदर बुखार में तप रहा, तुम यहाँ ठट्टे लगा रही हो, जाओ जाकर उसको दे दो। दो घड़ी हक बोलने में हर्ज क्या है, आप अपने घर में हंस रही। आंसू तो मेरे भी निकल आए थे, तुझे रोना क्यों नहीं आता। बहुत रो लिया यार, इतना रोया हूं कि अब तो रोना भी नहीं आता। इसलिए चाय या कुएं बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज आप लोगों को जहमत देने का मकसद ये था कि इज्तिमाई काम के लिए इज्तिमाई जहन जरूरी है।